नमस्कार जी, मैं फतेह सिंह, डॉक्टर सोमिता सुफत हॉस्पिटल से। ये हमारे पेशेंट के ब्रदर हैं जी, मोहन सिंह जी, और पेशेंट का राम रीना, वाइफ ऑफ बालक राम। वो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, बिलासपुर से। उनकी मैरिज को 18 साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने मेडिसिन और भी जगह से खाई, काफ़ी डॉक्टरों से उन्होंने इलाज वगैरह भी लिया, लेकिन कहीं से भी उनको जो प्रेगनेंसी है उनकी पॉजिटिव नहीं आई, बच्चा उनके नहीं हुआ। फिर उनको जो डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल का पता चला इंटरनेट के ज़रिए, तो उन्होंने डॉक्टर सुमिता से अपना इलाज करवाना चाहा और अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल में आए, जहाँ पर उनका इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने 3 से 4 महीने के अंदर उनका इलाज किया टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा, जो कि सफल रहा। और उसके बाद उनकी जो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई थी। अब पेशेंट को 4 महीने की प्रेगनेंसी है, और आज मोहन सिंह जी उनकी तरफ से आए हैं स्कैन वगैरह दिखाने के लिए डॉक्टर को, और ये अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं हॉस्पिटल के लिए। मैं मोहन सिंह, मेरे भाई की शादी को 18 साल हो गए थे, उनके अभी तक कोई भी चांसेस उनको बच्चे का नहीं मिला था। तो हमारे को नेट के द्वारा पता चला कि डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल जो है एक हॉस्पिटल है, अच्छी इनकी फैसिलिटीज है, तो अच्छी बढ़िया ये ट्रीटमेंट देते हैं। तो हमने अपना इरादा किया कि हम सुमिता सोफत हॉस्पिटल में जाएंगे और इनका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो हमने यहाँ आके डॉक्टर सुमिता सोफत डॉक्टर जी से मिले, उन्होंने हमारे को बहुत ही अच्छे तरीके से एक अपने घर, एक बच्चों की और एक फैमिली की तरह हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और हमारे को एक बहुत अच्छा लगा। और जितना भी हमारा ट्रीटमेंट हुआ बिल्कुल सक्सेसफुल रेट से किया गया, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, और हमारी पेशेंट की केयर भी की। और उसके बाद जब हमारा IVF इन्होंने ET एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद हमारा ये सक्सेस हो गया। आज उस पेशेंट के ट्विन बेबी है, 4 महीने पूरे हो गए हैं, और उस गरीब परिवार के बीच में आज भगवान की कृपा से और डॉक्टर सुमिता की कृपा से, डॉक्टर सुमिता के सारे स्टाफ की वजह से, जिन्होंने इतना अच्छा हमारा सब कुछ साथ दिया और अच्छा ट्रीटमेंट दिया, टाइम समय समय से हमारे यहाँ इन्होंने इज्जत करी, अच्छी हमारी ट्रीटमेंट मिली। आज उस गरीब परिवार के बीच में, उनके कोख के बीच में 2 बच्चे पल रहे हैं। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि डॉक्टर सुमिता और उनके सारा स्टाफ को भगवान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्शे, और हमारा ये सुमिता सोफत हॉस्पिटल जो है एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे पहुँचे, जिससे हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी को भी यहाँ आना चाहिए और डॉक्टर सुमिता हॉस्पिटल में मिलके डॉक्टर सुमिता सोफत से ट्रीटमेंट स्टार्ट कराए। मेरी सभी पब्लिक से, हर आदमी से यही अपील है, गरीब से, कि यहाँ बहुत अच्छा इलाज किया जाता है और यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, जो पूरे नॉर्थ के बीच में फैसिलिटीज नहीं है वो डॉक्टर सुमिता हॉस्पिटल के बीच में है। तो मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हर कोई पेशेंट जो मांस की इस समस्या से जूझ रहा है, डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल में मिले और एक अच्छी ट्रीटमेंट पाएं, और अपने हर घर परिवार के बीच में एक नन्ही किलकारियां गूंजेगी, ये मेरा वादा है। हमारे साथ ये वादा पूरा डॉक्टर सुमिता सोफत और इनके पूरे स्टाफ ने किया है। तो हर, मैं ये चाहता हूँ कि सभी के, अगर यहाँ से कोई ट्रीटमेंट लेगा, हर घर के बीच में खुशियाँ आएगी और 100% आएगी। मेरा पूरे स्टाफ डॉक्टर सुमिता जी को, उनके पूरे स्टाफ का मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हॉस्पिटल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। धन्यवाद।